नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं छह दलों को मिलकर बने जनता परिवार की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, ये कोई नया पहला मामला नहीं है कि जब जनता परिवार एक हुआ है, इसका इतिहास ही मतलब जुड़ने और टूटने का ही रहा है। देखिए झाला जी, मैं शुरुआत में तो सिर्फ ये जो फिर से छह दल एक हुए हैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि यूं तो जन्नत की हकीकत सब जानते हैं, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हुआ ये है कि सभी की निजी आकांक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं एक समय के बाद कि वो कितना भी बड़ा दल हो बाद में अलग हो ही जाता है। 62-63 में जब गैर कांग्रेसवाद का नारा उछला हवा में और जनता दल के नाम या समाजवाद के नाम पे सब लोग इकट्ठा हुए। देखिए जेपी और लोहिया के पास एक सोच भी थी, एक विचारधारा थी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनसे जुड़े हुए लोग भी उसी शिद्दत से उस विचारधारा को अपनाएं। या ये भी होता है कि उस वक्त आप अनुयायी के रूप में अपना लेते हैं, लेकिन बाद में जब आपको अपनी सत्ता अपनी पहचान हासिल करनी होती है तो उन सारे आदर्शों को त्याग कर एक अपना ही अलग रास्ता आप बना लेते हैं। तो आप देखिए टूटने जुड़ने का सिलसिला इसलिए हुआ कि वो एक हुए, जब वो नेता नहीं रहा या अपनी आकांक्षाएं टकराने लगी तो वो अलग हो गए। अलग हो गए फिर उनको लगा कि अलग होकर हमको हमारी ताकत उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए, तो फिर से एक होकर ताकत जुटाने की कोशिश की। बड़ी जो कामयाबियां हुई हैं वो 62-63 के बाद वापस वीपी सिंह के समय ही हो पाया था, जब ये कुनबा इस तरीके से इतने बड़े आकार में इकट्ठा हुआ था। फिर इस कुनबे ने क्षेत्रीय स्तर पर अपने अपने स्तर पर सफलताएं हासिल कर ली, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह की एकजुटता हासिल नहीं कर पाए। अब आप सबसे बड़ी बात देखिए कि जब नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था, तब तक वो केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ऐसा माना जा रहा था कि देश में थोड़ी बहुत उनकी पहचान है, हवा है। वो हवा कितनी बड़ी है, ये जो नीतीश कुमार अब अपनी सारी मोह माया ईर्ष्या और अपने अहंकार को त्याग कर इस दल का हिस्सा बनने को तैयार हुए हैं, तो यही नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि जिसको सुनामी कहा जा रहा है वो नकली सुनामी है और ब्लोअर से हवा चलाकर तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब उन नीतीश कुमार को जब समझ में आया कि ये तो सचमुच का तूफान था, सचमुच की सुनामी थी, जिसमें वो चारों खाने चित हो गए हैं, बाकी दलों का अपने अपने राज्य में भी सफाया हो गया है, परिवार के जो उम्मीदवार खड़े थे वही जीत पाए हैं, चाहे वो मुलायम सिंह के परिवार के हों, तो जब उनको ये समझ में आया कि ये मामला कितना बड़ा था, बाद में फिर राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एक बहुत बड़ा अपवाद बन के उभरा है, लेकिन दिल्ली के जो कारण है वो अलग है, हमें पता है। दिल्ली में भी आप देखिए कि उदाहरण उसी चीज का है, जिस तरीके से ये जनता परिवार एक हो रहा है उसी तरीके से एक वैकल्पिक राजनीति के नाम पे आम आदमी पार्टी इकट्ठा हुई, 67 सीटें जीती, लेकिन आप उसी आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है और वो स्वराज संवाद के जरिए अपने एक अलग विकल्प बनाने की कोशिश कर रही है। तो होता यह है कि आप एक सिद्धांत के नाम पर एक होते हैं लेकिन अपने अपने अहंकार के नाम पर आप फिर से अलग हो जाते हैं। अब आप फिर से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को हराने के लिए एक हुए हैं, और जो कि जब पार्टी बनने की घोषणा हुई इस तरह की, तब लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि देखिए हमारे बीच में कोई ईगो नहीं है और हम इकट्ठा हो रहे हैं। अरे जब आप इतनी बुरी तरह हार गए तो ईगो बचा कहां आपका? तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी सफलता ये लोग सब मिलकर हासिल कर पाएंगे इसमें शक है, लेकिन ये अपने आप को इस बात से खुश कर सकते हैं कि हम मुसीबत के समय में एक हैं और हम मिलकर इस जो मोदी नाम का तूफान है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये उनको कम से कम अपने एक संबल प्रदान करेगा, संवेदना पहुंचाने का काम करेगा, और वो जो चोट खाई है उन्होंने बुरी तरह शिकस्त की, उस चोट पे थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश है। तो जनता परिवार को तो हम यादव परिवार भी कह सकते हैं क्योंकि तीन बड़े नेता तो उसमें यादव ही हैं। हाँ, पर ये यादव आपस में लड़ते भी रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब कुछ पारिवारिक रिश्ते जुड़ गए हैं वो अलग बात है। ये देखिए ये भारतीय राजनीति का अपना मजा भी है कि सैद्धांतिक तौर पर एक दूसरे को हमेशा विरोधी मानने वाले, एक दूसरे का खूब विरोध करने वाले, और ऐसा बहुत सारे मामलों में हुआ है। हमने देखा है कि राजनीतिक परिवारों में विरोध के बावजूद आपस में शादियां हुई हैं, आपस में रिश्ते जुड़े हैं और उस धरातल पर वो एक हुए हैं, जैसा कि मुलायम और लालू प्रसाद यादव के बीच में हुआ। लेकिन अगर हम बहुत करीब से देखें कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और शरद यादव जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं वो उनकी अपनी धाराएं रही, और बल्कि उन्होंने संसद के भीतर और विधानसभाओं के भीतर भी एक दूसरे की नीतियों का खूब के विरोध किया है। अब मजे की बात है कि ये सब साथ में हैं और ये साथ में मिलकर क्या कर पाएंगे ये देखना होगा। इस पर जो सोशल मीडिया पर भी बहुत रोचक कमेंट्स आए हैं उसमें कहा है कि चूके हुए कारतूस हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, या फ्यूज बल्बों की झालर मिलकर भी रोशनी नहीं पैदा कर सकती। मैं ये मानता हूं कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से इसलिए लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं
नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार गलतियां भी करेंगी और उन गलतियों को भुनाने के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपने आप को मजबूती से तैयार नहीं किया है। तो ये जो गैप है, ये जो वैक्यूम है, ये जो खालीपन है, उसको भरने के लिए कौन दल सामने आता है, ये बड़ा सवाल है। और अभी मैं इसीलिए किसी को भी पूरी तरह से खारिज नहीं करूंगा, क्योंकि एक वैक्यूम जो बना था उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था, जब ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार और उनके विजय रथ से लोगों का मोह भंग हो रहा है और उनका विजय रथ दिल्ली में रोका जा चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए अपने खुद के किए कराए पर पानी फेर लिया है। तो ऐसे में अब वापस सारे दलों के लिए ये अवसर है, ये मौका है, वो ये साबित करने की कोशिश करें कि अगर कहीं भी उनका मोदी सरकार से मोह भंग हो रहा है तो उनके पास एक मजबूत विकल्प उपलब्ध है। वो विकल्प कौन उपलब्ध कराता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस फिलहाल, क्योंकि उनके जो राजकुमार हैं वो खुद किस नीति पर चलेंगे, कहाँ हैं, 59 दिनों तक कहाँ गायब रहे, इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब खुद के अंतर्द्वंद्वों से जूझने में व्यस्त है। अगर कोई तीसरा मोर्चा बना है और वो मोर्चा ये जनता को किसी तरीके से एहसास दिला पाए कि यदि आप इस सरकार से नाखुश हैं, आप इसकी नीतियों के विरोध में हैं, तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं, ये जनता को विश्वास दिलाना एक बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए बहुत सारी नीतियों का, बहुत सारे प्रचार अभियान का और बहुत संवाद की जरूरत होगी जनता से। और ये भी जरूरी होगा कि मोदी सरकार लगातार गलतियां करें तो उनकी गलतियों पर भी निर्भर करेगा और इनके प्रचार पर भी निर्भर करेगा। इसलिए मैं पूरी तरीके से तो इस गठबंधन को खारिज नहीं करूंगा, पर अगर कांग्रेस कहीं खुद को थोड़ा बहुत भी इकट्ठा कर पाई तो निश्चित तौर पर वो पहला विकल्प होगा। यदि ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं ये दल जो है एक दूसरे को बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका आधार क्षेत्रीय है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे में इसका क्या उचित रहेगा इसे? लेकिन इनका ये भी इतिहास रहा है झला जी, कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ न कुछ सीटें हासिल करके सरकार बनाने में या तो योगदान दिया है, या मंत्री नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे, तो इन लोगों ने क्षेत्रीय मजबूती के साथ साथ केंद्र में हमेशा आम चुनावों में इतनी सीटें तो हासिल कर ली थी कि इनके पास एक बार्गेनिंग पावर, एक जोड़ तोड़ की राजनीति करने का मौका हाथ में आ गया था और उस वजह से इन्होंने केंद्र में भूमिका तो निभाई है। अब ये फिर से आतुर हैं कि वैकेओ, क्योंकि इन सबको अब मुख्यमंत्री बने रहने में कोई आनंद नहीं आया। मुलायम सिंह यादव अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाकर पीछे हट चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि बिहार में दोबारा उनका मुख्यमंत्री बन पाना कोई आसान दिखाई नहीं देता। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अब उनके अहम पर जो चोट लगी है, क्योंकि वो दरअसल नरेंद्र मोदी से उनका जो वैचारिक मतभेद था वो इसीलिए था कि वो खुद को भी केंद्र की राजनीति के लिए उतना ही मजबूत मानते थे जितना नरेंद्र मोदी खुद को मानते थे, और वो भी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनको लगता था कि वो हम कदम हैं, हम सफर हैं, हम नवा हैं, साथ में हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो एनडीए के नेता बन जाएंगे और एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को हाशिए पर डाल दिया जाएगा। इसलिए वो जो अब महत्वाकांक्षाएं हैं नीतीश कुमार की, वो कहीं ना कहीं पूरी करना चाहेंगे। इसलिए अब ये सारे लोग एक ऐसा मंच ढूंढ रहे हैं जिसके माध्यम से अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। वो कितने सफल होते हैं कहना मुश्किल है, मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं जता सकता। अगर फिलहाल देखें तो थोड़ी बहुत ये राज्यसभा में जरूर थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं सरकार के लिए। दे सकते हैं, राज्यसभा में उनके पास कुछ ताकत है। सांसद तो खैर इस बार के चुनाव में जिस तरीके से सबकी बुरी हालत हुई है तो है नहीं, लोकसभा में तो उनके पास इतनी मजबूत स्थिति है नहीं। अब वैसे भी इनका दांव जो है बड़ा, वो केवल राज्यसभा का न होकर कुछ चुनाव का और आने वाले राज्य के, जैसे बिहार के चुनाव आ रहे हैं, अब बिहार के चुनावों में इस गठबंधन की क्या भूमिका है, इससे इसका आगे का राजनीतिक सफर भी तय हो जाएगा। तो अब ये ज्यादा वक्त इसके लिए बचा नहीं है, मई जून में जो बिहार चुनावों की हलचल होगी उसमें ये सारे जनता दल के लोग आपस में, जनता परिवार के लोग आपस में मिलकर किस तरीके से उम्मीदवार खड़े करते हैं, किस तरीके से अमित शाह की स्ट्रैटेजी को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। हमने ये भी देखा है कि लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज, जो सफलता हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा चुनावों में कायम रहे, ऐसा कई जगह हुआ, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे, तो इसलिए उनको राज्यसभा में, राज्यों में जीतने के लिए, विधानसभा में आने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ी है। कितनी मेहनत जनता परिवार करवा पाता है अमित शाह की टीम से, नरेंद्र मोदी के भाषणों के और रैलियों से वो किस तरह निपट पाते हैं, इस पर तय होगा कि इस जनता परिवार का आगे भविष्य क्या है। फिलहाल उनका दांव न लोकसभा है न राज्यसभा है, वो तो ये चाह रहे हैं कि राज्यों में जो विजय रथ है उसको कैसे रोका जाए, खासतौर पर बिहार में। अगर वो बिहार में
कुछ सफलता हासिल करते हैं तो फिर आगे निश्चित तौर पर उनके लिए कुछ न कुछ राह बन सकती है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर बिहार में असफलता मिलती है तो जनता परिवार टूट जाएगा। बिल्कुल संभव है, क्योंकि वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको ये भी समझ में आ जाएगी कि साथ में आने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इससे तो अपनी अपनी राह चलें वही बेहतर है। तो राजनीति में आप कल क्या होगा ये नहीं कह सकते, आज तो ये हुआ है कि वो साथ आ गए हैं, कल वो साथ रहेंगे कि नहीं इस पर तो बहुतों को शंका है। निश्चित तौर पर बिहार चुनाव तक तो ये लोग साथ में बने रहेंगे, बिहार चुनाव में ये लोग कुछ कर पाते हैं तो फिर आगे की राह है इनके लिए। धन्यवाद जगदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे जनता परिवार के गठन की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।